नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या देख रहे हैं मैम? मुझे ना 1 टन की एसी दिखा दो। 1 टन की? हाँ, 1 टन में हमारे पास दो तीन मॉडल मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। नहीं नहीं, मुझे कैरियर का देखना है। कैरियर के देखना? हाँ। कैरियर का आप देख सकती वाला मुझे कैरियर कैसा है? कैरियर तो सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रांड है आपका। अगर ब्रांड में बात करूँ तो सबसे पहले जो एसी का इतिहास में बात करूँ, हाँ, तो सबसे पहले कैरियर ही आया। ओके। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी इंडिया में होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ। इसमें फीचर बता देता हूँ, ये विंडो एसी है, 1 टन की है, 1 टन 3 स्टार नो इन्वर्टर। ओके। इसमें फीचर की बात करूँ तो इसके फीचर दे सकते हो, फीचर से तो सारा ऑप्शन मिल जाते हैं। फैन का ऑप्शन आ जाएगा, एक ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, फैन स्पीड अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा इसमें आपका टर्बो मोड ऑप्शन आता है। अरे ये आपका पावर का ऑप्शन देखा तो जो कि कभी भी ऑफ ऑन कर सकते हो ऑटोमेटिक। अच्छा, ठीक है। बाकी इसमें स्विंग का भी ऑप्शन देख रहे हो आप। हाँ। स्विंग में आपको फिर भी इसकी कूलिंग करेगी आपकी। अच्छा, ठीक है। हाँ। और आपका स्लीप मोड भी है और अपने हिसाब से इसमें टाइम सेट कर सकते हो, जैसे कि किस टाइम आपको चलाना हो उस टाइम आपको चलेगा, उसके हिसाब से फिर वो बंद हो जाएगा। ओके। वैसे मेरा ना रूम साइज थोड़ा बड़ा है। रूम की साइज कितना? 10x10 का है। 10x10 की तो परफेक्ट ए सी आएगी। अच्छा, अगर 10x12 भी आपका रूम का साइज आए तो भी परफेक्ट आएगा आपको उसमें। ओके। इनकी वारंटी गारंटी क्या होती है? इसकी वारंटी की बात करूँ मैं तो इसकी जो नॉन मोटर की वारंटी होती है 5 साल इसकी कंप्रेसर की होती है। अच्छा। और 1 ईयर कंप्लीट वारंटी होती है होम सर्विस के लिए होती है। अच्छा, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फ़र्क है? इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में डिफरेंट आपका ये होता है कि जो नॉन इन्वर्टर होता है, हाँ, उसमें पावर कंजम्पशन आपकी ज़्यादा लेगा। बट नॉन इन्वर्टर इसमें आपकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा लेगा प्लस कूलिंग इसकी ज़्यादा होगी इन्वर्टर के अकॉर्डिंग। हाँ, इन्वर्टर के अकॉर्डिंग। अगर इन्वर्टर की बात करूँ तो इन्वर्टर में आपका क्या है कि वेरिएबल स्पीड पे चलेगा आपका, जैसे कि नॉइस लेवल कम होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा आपका। इसमें आपको पावर कंजम्पशन में दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, इसकी पावर कंजम्पशन आपका ये है। जो इसकी ISR रेटिंग में बात करो, ISR रेटिंग 3.20 है। हाँ। और इसकी जो पावर कंजम्पशन की मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पावर की, कूलिंग कैपेसिटी की देखिए 100% आपका 3600 कूलिंग कैपेसिटी की है। आपका मेन आपका ये देखा जाता है, किसी भी एसी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका ये देखा जाता है, ठीक है। ओके, कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी अब इसकी जो पर ईयर की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन दिखा रहे हो आप, 870 ये आपकी कैसी का काउंट होती है, 8 घंटा 8 महीना 24 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हो। ओके। तो ही आपके इतनी पावर कंजम्पशन इसमें आएगी, वरना आपका पावर कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा। 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे करते हो तो इसका पावर कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा। बाकी इसमें देख सकते हो रिमोट के साथ में रहेगी आपकी, इसमें ऑप्शन ये मिल जाते हैं, इसमें रिमोट पर सारी स्विंग करेंगे ऑटोमेटिक। और इसमें स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा? नहीं, स्टेबलाइजर लगाना मैंडेटरी होता है इसमें, इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब फ्लक्चुएशन होती है तो इसमें क्या है कि आपके फीस भी जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप स्टेबलाइजर लगा देते हैं तो इसमें फीस भी जो होगी जलने के चांसेस नहीं रहेगी। बाकी ये कैरियर ब्रांड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। आपको इसको परचेस करने कर सकते हो, और इसे अगर विंडो की जैसे मैं बात करूँ तो कैरियर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसकी प्राइस क्या होगी? उसी पर प्राइस में बेस्ट प्राइस में ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है 28,000 का, 1 टन के BSL का। ओके। इंस्टॉलेशन चार्जेस इसका अलग से? सबको हर एक एसी का सीजन वाइज होता है, कभी कभी इंस्टॉलेशन फ्री होता है, कभी कभी फ्री नहीं होता है, तो अभी इसमें फ्री नहीं है, कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसके लिए आपको 500 रुपीज प्लस GST। ओके। वो हमें आपको पे करना पड़ेगा या हमें पे नहीं करना पड़ेगा? ये आपको घर पे ही आपको इंजीनियर को पे करना पड़ेगा जो इंस्टॉलेशन करने के लिए आएंगे उनके लिए। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।